नमस्कार, कैसे आप लोग। आज हम फिर बात करेंगे ऐसे चूतियापा के बारे में जिसे आपने अपने नल्ले जीवन में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। इसे हम एक प्रकार की बीमारी भी कह सकते हैं जो हमारे घर की लेडीजों को लगी हुई है, और ये लैंडी बीमारी हमारे घर की टीवी पे आती है जिसे हम इंडियन सीरियल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए यार शुरू करते हैं इनकी बकवास ना अपना। तो भाई जितने भी सीरियल्स है सब में एक बात सेम होती है, परिवार चाहे अमीर हो या गरीब सबके घर बड़े ही होते हैं। और घर में दो चार लोग रहे ना 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 ना, एक घर में 20-25 लोग होंगे। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। अब इन 20-25 लोगों में भी चार लोग ऐसे होते हैं जिनको षड्यंत्र रचना है। इनका पूरे सीरियल में एक ही काम होता है, दूसरों की तशरीफ में उंगली करना। और क्या इससे बाकी 20 लोगों को फर्क पड़ता है? नहीं, ये शो में बस भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं। ला भोसड़ी के बेटे बेटे, मतलब यार चूतिया पे की भी हद होती है, और इन लोगों ने वो सारी हदें पार कर दी। एक गोली से बंदा हवा में उड़ गया, ऐसा तो कल को ये चांद को जमीन पे ले आएंगे। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। हैं दीदी, वो चांद है गोपाल जी के भटूरे ने कि गया और ले आया। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? हाँ, अब दीदी ने बोला तो लाना ही पड़ेगा। चलो अब हम भी देखते हैं चांद को कैसे जमीन पे लाते हैं। नहीं मतलब ये कौन सी रस्सी जो 384,403 किलोमीटर दूर जाके चांद से जाके चिपक गई। ये सीन देखने के बाद नासा वाले इनकी खोज कर रहे हैं। जिनको सीरियल का नाम नहीं पता है, सीरियल का नाम है ये जादू है जिनका, जिनका लिए जिनका जादू है। इससे बढ़िया तो जादू कोई मिल गया में था जो सिर्फ धूप के डिमांड करता था, चांद वन की नहीं करता था। तो चलो बात करते हैं तेल की। एक आम आदमी अपने जीवन में तेल का उपयोग करता है बालों में लगाने के लिए या फिर सब्जी बनाने के लिए, लेकिन ये सीरियल वाले इनके घरों में तेल का उपयोग होता है सीढ़ियों पर। ये सीढ़ियों पर तेल डाल देंगे जिससे कोई बेटी जो आए उस पर फिसल जाए और उसकी याददाश्त चली जाए। अब ये सब करके इनको क्या मिलता पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। अलग ही मजा होता होगा यार इसका। सच में यार जितने भी सीरियल्स है वो अलग ही लेवल के होते हैं। इनके जो भी राइटर्स है वो जरूर गांजा फूक के स्क्रिप्ट लिखते होंगे। हर शो में एक ऐसी सास होती है जो बुड्ढी नहीं होती, और एक ऐसी बहू होती है जिसमें बुद्धि नहीं होती। माँ 25 साल की होती है और बेटा 22 साल का होता है, और उसके बाद ये पूछते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब ये सीरियल्स कहने को तो 30 मिनट के होते हैं पर दिखाते हैं सिर्फ 7 या 8 मिनट, बाकी के टाइम वही चड्डी बनियान की एड चल रही होती है। अब लॉजिक्स की बात करो तो लॉजिक्स का इन सीरियल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। यकीन ना हो तो ये सीन देख लो। कौन है आप ये बोलने वाले की आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? क्या मतलब कौन होते हो? दीदी डॉक्टर है वो। आप सिर्फ एक डॉक्टर है, भगवान तो नहीं है ना? उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। दीदी ऑपरेशन करना है कपड़े नहीं सिलने। लगता सिमर दीदी का दिमागी संतुलन हिल गया। देख लीजिए जाके आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। और आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत होगा, और वीडियो काफ़ी लेट आई है, काफ़ी क्या लगभग 1 साल हो गया। और उसका भी रीज़न यही था कि मैं किसी दूसरे चैनल पर एक्टिव हो गया था। हाँ, बट अब रेगुलर वीडियो आएगी और इसी चैनल पर आएगी, तो इसलिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को शेयर कर दो यार। जितना आपने फर्स्ट पार्ट पर इतना प्यार दिया तो इस पर भी दे दो। मिलते अगली वीडियो में, जल्दी जल्दी वीडियो आएगी तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। ओ भाई।